जी हाँ, अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। घर की पैड़ी पर शक्ति अन्य घाटों पर गंगा स्नान। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दे। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। हरिद्वार के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सावन की सोमवती अमावस्या पर स्नान हर की पैड़ी पर नहीं हो सका। सोमवार को हर की पैड़ी पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस की ओर से हर की पैड़ी को पहले ही सील कर दिया था। स्थानीय लोगों ने हर की पैड़ी के बजाय अन्य घाटों पर गंगा स्नान किया। दूसरी ओर हरिद्वार में लगाई गई धारा 144 का कई गंगा घाटों पर उल्लंघन होता दिखाई दिया। मंगलवार से हर की पैड़ी पर पहले की तरह व्यवस्था की जाएगी। कर्मकांड को आने वाले यात्री और स्थानीय लोगों को हर की पैड़ी जाने दिया जाएगा। सोमवार को धर्मनगरी में सोमवती अमावस्या के स्नान को रद्द करने के साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से हरिद्वार की सीमाओं को सील किया गया था। कोरोना महामारी के कारण पहली बार हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के दिन सन्नाटा पसरा रहा। एक भी यात्री और स्थानीय लोग हर की पैड़ी पर नहीं जा सके। हर की पैड़ी को रविवार सुबह ही सील कर दिया गया था। बकायदा 50 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हर की पैड़ी पर लगाई गई थी। सोमवार सुबह सीओ सिटी डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग ने मोर्चा संभाला और सुबह ही हर की पैड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुछ स्थानीय लोग हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए आने लगे तो उनको भीमगोंडा और हर की पैड़ी से ही लौटाया गया। उत्तरी हरिद्वार के लोगों ने सर्वनंद घाट और शिव की पैड़ी पर गंगा स्नान किया, जबकि कनखल के लोगों ने सती घाट पर स्नान किया। वहीं मध्य हरिद्वार के लोग ने प्रेमनगर घाट, कश्यप घाट और गोविंद घाट में गंगा स्नान किया। इन घाटों पर धारा 144 का उल्लंघन होता नजर आया। पुलिस का मुख्य फोकस हर की पैड़ी पर रहा, जहां पुलिस ने यात्री तो क्या स्थानीय लोगों को भी जाने नहीं दिया। बाजार रहे सूने। जिस सोमवती अमावस्या का इंतजार हरिद्वार के व्यापारी वर्ग करते थे, सोमवार को उस सोमवती अमावस्या पर बाजार पूरी तरह सूने नजर आए। ऊपर रोड बाजार, बड़ा बाजार, मोती बाजार, रेलवे रोड समेत लगभग सभी बाजार खाली रहे। स्थानीय लोगों के लिए भी लगाई गई थी रोक। पुलिस प्रशासन ने सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने पर स्थानीय लोगों के लिए भी रोक लगाई थी, लेकिन इस आदेश का सोमवार को पालन होता नहीं नजर आया। हालांकि कुछ गंगा घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का पालन कराते हुए कुछ ही लोगों को स्नान करने दिया, लेकिन कई घाटों पर नजारा इसके उल्टा ही नजर आया। पुलिस की ओर से धारा 144 पूरी तरह पालन कराया गया है। हर की पैड़ी को पूरी तरह सील रखा गया। किसी भी यात्री या स्थानीय व्यक्ति ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान नहीं किया। यह बयान सीओ सिटी डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग ने दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कैसा फील हो रहा है इस साल कांवड़ यात्रा ना होने की वजह से। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अब दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।